तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब जो हैं खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। बस हाशिर और उस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। उस बच्चे को जो चोट लगी है तो उसके दिमाग के ऊपर असर हो रहा है, और उसका दिमाग पे असर होने की वजह से वो सही से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो सब उसके लिए दुआ कीजिएगा। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जो है गन मैंने उठा लिया है, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गन पड़ा था क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी पैकिंग जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट पैक कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं उस घर का टूर करने के लिए कि वहाँ पे क्या रह गया है, क्या क्या होने वाला है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितना रह गया है, कितना होने वाला है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर जो है ना वो हम लोगों ने ये घर जो है वो शिफ्ट करने। पीछे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कार्टन वगैरह जो भी आपके साथ पहले शेयर किया था उससे भी ज़्यादा जो है मैंने पैकिंग ऑलमोस्ट कर ली है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अभी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को पैक करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ये भी। और फिर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो रह गई है। तो चलें हम लोग इस घर का विज़िट करते हैं आपके साथ, और साथ रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला जो है वो सबको अपना घर बनाने की तौफीक अदा करे। तो चलते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आपको सारी लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत काफ़ी अंधेरा था क्योंकि मेन स्विच जो है वो बंद कर दे। ये देखें, जाते ही लड़का जो है ना वो फिर गिर गया है एंट्रेंस पे, और अभी यहाँ पे सारा का सारा काम होने वाला है। मुझे सिर्फ इसी चीज़ का था कि ये ना इसको कोई चोट ना लग जाए। और यहाँ पे ये नीचे जो है ये गैराज है, अभी यहाँ पे काम जो है वो होने वाला है। और ये सामने का जो एरिया है ये जो है वो दूसरा एरिया है, मतलब यहाँ पे हम बाद में काम शुरू करेंगे। यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ पे साइडों पे भी जो है काम हो रहा है अभी। और यहाँ पे अभी जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा जो है ना वो पत्थर लग गया। और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो कोई भी हम सोचेंगे जब जाएंगे ना वहाँ पे, फिर देखेंगे यहाँ पे ना क्या चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर गई, मुझे पता था कोई ना कोई नमूना यहाँ पे खड़ा होगा, और यहाँ पे नमूना मुझे इशाल, और यहाँ पे अपने ये सारे कपड़े जो है ना वो पहले से मेरे आने से पहले ही गंदे कर चुकी थी यहाँ, जबकि ये यहाँ पे लड़की शावर लेकर आई थी। यहाँ पे पत्थर के ऊपर सारा उन्होंने बुरा फेंका हुआ, और बुरा जो है ना इन्होंने अपने आप को इसके साथ जो है ना वो नहला लिया था सारा। यहाँ पे वॉशरूम है जो कि अभी बन गया है, थोड़ा सा काम इस वॉशरूम का रहता है। अब यहाँ से मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे हम लोग ड्राइंग रूम की तरफ आए हैं। ड्राइंग रूम पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है, और थोड़ा बहुत जो है वो काम रहता है। ये सारा जो है सीलिंग हुई है इस तरह की, और जो सामने विंडो है वो भी रिप्लेस होने वाली है, उधर जो है वो रेलिंग विंडो लगेगी शीशे की। और ये यहाँ पे अब जो है हम लोगों ने कि फ़िक्स करवाई है एक LED पॉइंट, और ये कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर जो है ना वो लाइट्स लगेंगी। अभी ये कमरे की जो फ्लोर है वो जो है रेडी होने वाला है, बट इसके अंदर जो है ना ये कबर्ड बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और ये जो 3 डोर इसकी कबर्ड हम लोगों ने यहाँ पर बनाई, और इसके साथ ही अटैच जो है ना ये वॉशरूम है। साथ में अगर हम इस रूम से जो है वो बाहर आते हैं तो सामने जो है वो TV लॉन्च का एरिया है, तो सोच रही थी कि सामने यहाँ पे सोफ़े वगैरह सेट करेंगे, और यहाँ पे साथ ही अटैच किचन है, ओपन किचन है, और किचन बहुत ही खूबसूरत है। आगे जाके जो है वो आपको मैं किचन का पूरा जो एक व्यू है वो दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसके कैबिन ओपन करके देखे थे कि इसके अंदर जो है वो इतनी स्पेस है, और ये जो है वो साथ में इधर ड्रॉज भी हैं, और जो है साथ में इसके जो ऊपर वाले कैबिन बड़े खूबसूरत तरीके से बनाए हैं, मतलब कुछ हॉरिजेंटल कंडीशन में है, कुछ वर्टिकल कंडीशन में है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस है। तो थोड़ा बहुत काम जो अब रह गया है वो जाहिर सी बात है जब हम वहाँ पे जाएंगे तो साथ साथ जो है वहाँ पे काम जो है ना वो करवाते भी जाएंगे, और घर को जो है सेट करने में सालों लग जाते हैं। और जब हम शिफ्टिंग पे आते हैं तो कुछ ना पूछें कि शिफ्टिंग करना कितना मुश्किल काम है, और आप लोगों में से जो जो शिफ्ट का मतलब एक्सपीरियंस कर चुका है वो तो माफ़िया मांगेगा, अल्लाह मुझे शिफ्टिंग ना कराए। मतलब बहुत हम लोगों ने पहले भी 2 महीने पहले शिफ्टिंग की, उसके बाद हम लोग फिर अगेन शिफ्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे TV लॉन्च में जो है ये LED पॉइंट यहाँ पे बनाया है लकड़ी का, और ये कॉरिडोर है जहाँ पे मैंने रखने हैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स, और यहाँ पे प्लांट्स लगाऊंगी मैं जो घर के घर में थोड़ी सी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको लेके। और ये कॉरिडोर के साथ ही अटैच वॉशरूम है, इसका भी थोड़ा बहुत जो काम रह गया है जो अभी हो रहा है वहाँ पर,
यहाँ पे लगना रह गया है, शावर वगैरह ये सब कुछ लग गया, सिंक वगैरह यहाँ पे लगने वाली है, और इस ये शीशा है, और यहाँ पे जो शैम्पू वगैरह थोड़ा बहुत सामान होता है वो रखना है। यहाँ पे मैं एक कमरे में गई हूँ, ये बच्चों का कमरा है, और यहाँ पे इस तरह की सीलिंग हुई है। अभी ऊपर सीलिंग गीली है जिसकी वजह से अभी सीलिंग पे जो है वो पेंट नहीं हुआ, जाने के बाद हम देखेंगे कि इस पे कौन सा पेंट करवाना चाहिए, और फ्लोर इसका भी जो है वो सारा बनने वाला। और ये सात वाला रूम है जो कि मेरा रूम है, और यहाँ पे जो है इस तरह की ऊपर सीलिंग करवाई है, ये भी सारी सीलिंग गीली है, और अभी हम जाएंगे तो देखेंगे कि पेंट वगैरह का क्या करना है और कौन सा कलर कराना है। यहाँ पे जो है अभी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, जो कि वहाँ पे सफाई हो रही है। अभी यहाँ पर बाहर आते हैं तो यहाँ पे सामने ही किचन है, और किचन का मैं यहाँ पे आपको ज़रा दूर से थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, क्योंकि कमरे तो अभी रेडी नहीं हुए, किचन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो रेडी हो चुका है, और ये इसका जो है व्यू है, और साथ में जो है ये टीवी लाउंज है जहाँ पर हम सोफ़े वगैरह और LED पॉइंट यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।